अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का टॉपिक कस्टमर्स के बारे में कस्टमर्स वो लोग हैं जिनको हम अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचते हैं हमारे केस में जो हमने कंपनी बनाई हुई है वो ये दोनों काम करती है जो सर्विसेज हम लोग बेचते हैं वो है कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जिसमें हम कंस्ट्रक्शन करके देते हैं रेंटल सर्विसेज जिसमें हम अपना इक्विपमेंट रेंट पे या किराए पे देते हैं और थर्ड है बिल्डिंग मटेरियल जिसमें हम सीमेंट सरिया और रिलेटेड चीज़ें अपने कस्टमर्स को बेचते हैं जिसको भी हम अपनी सर्विसेज या गुड्स बेचेंगे वो हमारा कस्टमर है और हम उसका तमाम रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे क्योंकि क्विक बुक्स में जब हमने इसको सेटअप किया था आपको याद होगा कि हमने ये तमाम काम करने से पहले बताया था कि हम एस्टिमेट्स भी बनाया करेंगे हम अपने कस्टमर को एस्टिमेट या प्रपोज़ल या कोटेशन दिया करते हैं जिसके बेसिस पे एक्सेप्टेंस के बाद हम काम अपना शुरू करते हैं तो कस्टमर सिर्फ वो नहीं होता जिसे हम अपनी सर्विसेज बेचें बज दफ़ा कस्टमर वो भी होते हैं जिनको हम अपनी सर्विसेज के लिए कोटेशन बेड या प्रपोज़ल जमा कराएं और ज़रूरी नहीं कि वो काम हमें मिल जाए तो तमाम वो लोग वो इदारे वो फर्म्स वो कंपनियाँ जिसको हम अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं आर कंसिडर्ड एज़ आर कस्टमर्स इन कस्टमर्स को हम हर तरीक़े से ट्रैक करना चाहेंगे कि हमने इनके कोई पिछले जॉब किए हुए क्या हम इनका कोई जॉब कर रहे हैं क्या एक वक्त में हम एक से ज़्यादा जॉब कर रहे हैं जॉब की नोयत क्या है जॉब किस पोजीशन पे कहाँ खड़ा है कितना टाइम हो चुका है कितना टाइम बाकी है तमाम चीज़ें जो हमारे कस्टमर से रिलेटेड हैं हमारे पास क्विक बुक्स में उसका रिकॉर्ड आता रहेगा हमारी रिकॉर्डिंग के साथ साथ लेट्स गो ओवर एंड सी हाउ वी क्रिएट अ न्यू कस्टमर एंड एड एम टू आर कस्टमर लिस्ट जैसे कि आप जानते हैं कि क्विक बुक्स में हर चीज़ करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं जैसे आप क्विक बुक्स की होम पेज पर पे आएंगे तो आपको ये तीन जगह से कस्टमर के पास या कस्टमर सेंटर जाने का तरीका नज़र आएगा सबसे पहले आपके होम पेज पर पे कस्टमर्स लिखा हुआ है आपके मेन्यू बार पे कस्टमर्स लिखा हुआ है और टॉप पे भी कस्टमर्स लिखा हुआ है यू कैन गो टू योर कस्टमर सेंटर फ्रॉम क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ दिस थ्री प्लेसेस लेट्स गो टू द कस्टमर सेक्शन कस्टमर सेक्शन लुक्स लाइक दिस इस वक्त हमारे पास कोई कस्टमर मौजूद नहीं है और ना लिस्ट में नजर आ रहा है और ना ही उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ नजर आ रही है जब भी हमने एक नया कस्टमर एड करना है वॉट वी हैव टू डू इस जस्ट लुक फॉर समथिंग विच सेज एड अ न्यू कस्टमर और अ जॉब सो एज यू कैन सी राइट ऑन टॉप द बटन विच सेज न्यू कस्टमर एंड जॉब ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी अ न्यू कस्टमर देर आर अदर ऑप्शन इज वेल बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ एडिंग अ न्यू कस्टमर टू द लिस्ट जैसे ही आप ये बटन दबाएंगे आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें आप उस कस्टमर की जितनी इंफॉर्मेशन चाहें डाल सकते हैं सबसे पहली चीज कस्टमर का नाम अगला इस जो आपको फील्ड नजर आ रही है वो कह रही है ओपनिंग बैलेंस हो सकता है कि आपका पास पहले से कोई अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा हो या उसका रिकॉर्ड मौजूद हो जिसमें उसका कोई ना कोई बैलेंस चल रहा हो इफ दैट इज द केस वाट यू कैन डू इज यू कैन आट दैट ओपनिंग बैलेंस टू जावेद कंस्ट्रक्शंस अकाउंट लेकिन अगर वो ओपनिंग बैलेंस नहीं है और आप ये नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं नया एक कस्टमर ऐड कर रहे हैं तो वो ओपनिंग बैलेंस जीरो होगा नाउ द कंपनी नेम एंड दिस इज द नेम ऑफ द मेन कॉन्ट्रैक्ट पर्सन एंड इस जॉब टाइटल इज ही इज द सीईओ ऑफ द कंपनी वी कैन एंटर द फोन नंबर्स द ई मेल एंड ऑल अदर इंफॉर्मेश्स दैट वी नीड टू बट दिस पार्ट इज़ बेसिकली योर एड्रेस इन्फो जैसे कि आपको नजर आ रहा है इस वक्त एड्रेस इन्फो का टैप क्लिक है और ये तमाम इन्फॉर्मेशन हम एड्रेस इन्फो के अंदर लिख लें नीचे आपको दिया गया है एड्रेस डिटेल जब भी आप कोई बिल बनाएंगे तो आपने वो बिल किस के नाम किस एड्रेस पर हरसाल करना है वो हमने यहाँ लिखना है यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है शिप टू शिप टू है कि अगर आपका कोई और डेस्टिनेशन है जहाँ ये आपकी मेल जानी है और अगर वही डेस्टिनेशन है जो कि और वही एड्रेस है जो आपने पहले एंटर किया है तो ऑल यू हैव टू डू इज कॉपी डेट एड्रेस इन टू शिप टू वी नाउ हैव द सेम एड्रेस ऑन बोथ साइड सो वॉट वी हैव राइट नाउ इज़ एड्रेस info of ऑफ आर फर्स्ट कस्टमर second part पार्ट the payment पेमेंट सेटिंग नाउ दिस इज़ वेरी If इफ यू हैव द अकाउंट नंबर ऑफ योर कस्टमर यू कैन राइट इट डाउन second part पार्ट the payment पेमेंट टर्म्स पेमेंट टर्म्स आप अपनी भी ऐड कर सकते हैं कहाँ ऐड होगी याद रहे कि तमाम इस तरह की लिस्टें हमेशा एक जगह मौजूद होंगी और वो है अंडर द हेडिंग लिस्ट बट वी विल कम टू दैट लेटर इधर आपके पास ये पांच ये छः ऑप्शन नजर आ रहे हैं डी ऑन रिसीट दिस मीन्स कि जैसे ही आप वहाँ माल इरसाल करेंगे फौरन ये आपके पैसे मिल जाने चाहिए नेट 15 का मतलब है पंद्रह दिन के बाद नेट 30 का मतलब है तीस दिन के बाद और नेट 60 का मतलब है साठ दिन के बाद यू एक्सपेक्ट टू बी पेड इसमें दो और ऑप्शंस भी हैं वन परसेंट टेन नेट थर्टी टू परसेंट टेन नेट थर्टी इनका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताता चलूं इसका मतलब ये है कि अगर आप दस दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हैं आप अपनी पेमेंट वन परसेंट लेस कर सकते हैं यानी आपको डिस्काउंट अवेलेबल है और टू परसेंट टेन नेट थर्टी का मतलब है कि अगर आप दस दिन के अंदर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको दो परसेंट का डिस्काउंट अवेलेबल है इफ यू पे विद इन टेन डेज मैक्सिमम डेज अवेलेबल टू यू इज थर्टी आफ्टर टेन डेज यू हैव टू है फुल अमाउंट इन आर केस क्योंकि हमारी कंस्ट्रक्शन बिजनेस है वी से दैट आर पेमेंट टर्म्स आर नेट फिफ्टीन यू हैव टू लेट योर कस्टमर नो कि हमारी पेमेंट टर्म्स क्या है और ये टर्म्स हमेशा बिजनेस शुरू होते के साथ ही फाइनलाइज कर ली जाती हैं प्रीफर्ड पेमेंट मैथड इसमें आप नया ऐड भी कर सकते हैं और जो मौजूद है उसमें से एक चेक भी कर सकते हैं वंस अगेन ये तमाम ड्रॉप डाउन लिस्टें अवेलेबल होनी चाहिए लिस्ट के अंदर क्रेडिट लिमिट क्रेडिट लिमिट वो है कि जिससे ज़्यादा अगर आपके पास रिसीवेबल खड़ा हो जाए किसी भी कस्टमर का तो आपको भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी एंड यू कैन टेक एक्शन ओवर इट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्रेडिट लिमिट दो लाख रुपए रखता हूँ तो इसका मतलब यह है कि जब और जैसे ही मेरी इनवॉइसिंग दो लाख की लिमिट को टच करेगी मुझे अगली इनवॉइस पे एक वार्निंग आएगी कि अब आप लिमिट क्रॉस करने वाले डू यू वॉन्ट टू प्रोसीड अगर आपके पास अथॉरिटी है यू कैन प्रोसीड लेकिन आपने उसकी एक लिमिट बताई हुई है कि इस लिमिट से ऊपर हमने इसको मजीद काम या माल नहीं देना है और ये लिमिट वंस अगेन एज वी नो कि जब हम किसी के साथ कोई बिजनेस टर्म्स इस्टेब्लिश कर रहे हों उसी वक्त हम ये लिमिट्स और टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनलाइज कर चुके होते हैं और जैसी आपने यहाँ इंफॉर्मेशन ये डाल दी है याद रहे क्विक बुक्स आपको याद दिलाता रहेगा बाकी चीज़ें वील we'll सी लेटर ऑन क्योंकि ये बड़ी प्रोटेक्टिव टाइप की इन्फॉर्मेशन है जो कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉमेसन है और बहुत सारे लोग इसको खुफिया रखना चाहेंगे और ये नहीं चाहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन जनरल यूज़र को नज़र आए सेल टैक्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे अदारे होते हैं जो कि नॉन टैक्सेबल या एन होते हैं तो उनके लिए ये प्रोविज़न है कि मैंने यू सेल टू दैम यू डोंट नीड टू

is the customer type once again this is a list and it can be amended from our list menu but for present there are four options that we have available we can add a new whenever we want to customer type hum hai, contractor and this is what our customer is going to be जॉब इन्फॉर्मेशन ये वो काम है जो हम इस कस्टमर के साथ कर रहे हैं जॉब की हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जॉब का टाइप दे सकते हैं लेकिन वी कैन ऐड इट लेटर एज वेल क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा काम कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे जिसमें नया एडिशनल रीमॉडल यानी पुराने को हम ठीक कर रहे हैं रेजिडेंशियल ये तमाम टाइप की जॉब्स हैं लेकिन एज दिस लिस्ट ग्रोज वी कैन सिंपली एड अ न्यू जॉब टाइप टू इट वी कैन डू इट लेटर एज वेल फॉर द मोमेंट दिस इज मोर देन अनाफ फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड एडिंग अ कस्टमर टू आर कस्टमर लिस्ट एज यू कैन सी दैट द कस्टमर वी जस्ट एडेड मिस्टर जावेद ऑफ जावेद कंस्ट्रक्शन ही इज अ कस्टमर टाइप कॉन्ट्रैक्टर And net payment terms are net 15, and his billing address is Mal Road, Lahore. So this is how we add a new customer to our customer list. We can add, edit, and delete, and merge contractors as we go along. Again, that will come later. Until our next session, thank you so much.